यानी कि यह भी पानी बिल्कुल डी स्टील वाटर की तरह ही काम कर रहा है और ये हमारी बैटरी के लिए बिल्कुल सेफ है, इसीलिए हमने ये एक प्रैक्टिकल करके देखा है। तो ये है हमारे पास में एक 5 लीटर की डिस्टिल वाटर की कैन जो कि मार्केट में 70 से 80 रुपए में मिलती है। वहीं हमारे पास में एक 5 लीटर की डिस्टिल वाटर की कैन और है जो कि मार्केट में मुझे मिली है मात्र 5 रुपए में, 5 रुपए में 5 लीटर। अब 1 रुपए में 1 लीटर डिस्टिल वाटर कहाँ मिलेगा ये जानने से पहले स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ हम सीखते हैं ऑटो इलेक्ट्रिक से जुड़ी समस्या और उनके समाधान के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चाहे ट्रक हो, बस हो, कार हो, ट्रैक्टर हो या इन्वर्टर की बैटरी हो, समय समय पर उसमें डिस्टिल वाटर डालने की आवश्यकता पड़ती ही है। तो क्यों कहा जाता है कि डिस्टिल वाटर की जगह बैटरी में हम घर का पानी, नल का पानी या कुएं का पानी नहीं डाल सकते? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि डी स्टील वाटर यानी कि जिस पानी में से स्टील को अलग कर दिया जाता है उसे डी स्टील वाटर कहा जाता है। अब इसकी बैटरी में क्या ज़रूरत पड़ती है ये भी हमें सीखना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बैटरी में करंट स्टोर करने के लिए शीशे से बनी प्लेटें लगाई जाती है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार के सीक्वेंस में लगाई जाती है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से आपस में टच ना हो, फॉल्ट ना हो, इसके लिए अंदर सेपरेटर लगाए जाते हैं। तो किसी बैटरी में हम साधारण पानी डालते हैं तो पानी में स्टील होने के कारण वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेटों को टच करेगा, जिसकी वजह से बैटरी उतरेगी और बैटरी की प्लेटों की उम्र भी कम पड़ेगी। उसी कंडीशन में जब हम डी स्टील वाटर डालते हैं तो वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेटों को टच जरूर करता है लेकिन उन दोनों को सेपरेट रखता है, उनका करंट लॉस नहीं होने देता। तो इसीलिए कहा जाता है और कंपनी भी रिकमेंड करती है कि बैटरी में सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर ही डाला जाए, साधारण पानी बिल्कुल ना डालें। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये वाला जो डिस्टिल वाटर है वो इतना सस्ता क्यों है और ये वाला जो डिस्टिल वाटर है वो इतना महंगा क्यों है। तो इस पानी को कंपनीज मशीनों द्वारा डिस्टिल करती है, उसके बाद पैकिंग करके हमें बेचती है जो कि लगभग 20 रुपये लीटर या 5 लीटर की कैन अगर हम लेते हैं तो 70 से 80 रुपये लीटर मिलती है। अब ये जो आप डिस्टिल वाटर देख रहे हैं यह है आरओ का पानी जो कि हम पीने में भी यूज़ करते हैं, जो कि हमें मिलता है 1 रुपये लीटर में, यानी कि अगर आप 20 लीटर की कैन भरवाएंगे तो मात्र 20 रुपये में पड़ती है। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि ये उस डिस्टिल वाटर से अलग है या उसी जैसा है। तो अच्छी बात ये है कि आरओ मशीन से जब यह पानी फिल्टर्ड होकर निकलता है तो यह भी डिस्टिल वाटर बन जाता है। अब यह पूरी तरीके से डी स्टिल वाटर बनता है या नहीं, आइए हम इस वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो आरओ के पानी में स्टील होता है या नहीं हम इस प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमने 3 कटोरियाँ ली है, जिसमें एक में है सादा पानी और एक में हम डालेंगे डिस्टिल वाटर और एक में डालेंगे आरओ का पानी। तो आप देख सकते हैं इसको चेक करने के लिए हमने एक बल्ब लिया है और उसकी एक सीरीज़ बना ली है। जैसे ही हम इसको टच करेंगे ये बल्ब जल जाएगा। अगर जिस पानी में स्टील होगा वह पानी में, जैसे ये सादा पानी है आप देख सकते हैं, इस पानी के एक तरफ हम सीरीज का एक वायर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ लगा रहे हैं तो ये बल्ब जल रहा है, यानी कि इस पानी में स्टील है, ये फिर से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये एसी करंट का बल्ब है और एसी करंट से हम सीरीज बनाकर चेक कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें और ऐसी चीज़ बड़ी सावधानी से करें, अन्यथा मैं तो ये कहूँगा कि आप ना ही करें तो बेहतर रहेगा। ये सिर्फ मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी मैं सावधानी बरतूँगा ताकि करंट ना लग पाए और आप भी घर पे इसे ट्राई ना करें। तो हमने देख लिया कि जो सादा पानी है उसमें स्टील है, इसकी वजह से ये बल्ब जल रहा है, ये देखिए। अब हम जो कि डी स्टील वाटर है इसको चेक करेंगे कि इसमें बल्ब जलता है या नहीं। ये पानी हमने ले लिया है डी स्टील वाटर, ये देखिए आप, एक तरफ हमने एक वायर और दूसरी तरफ दूसरा वायर लगाया है
लेकिन फिर भी बल्ब नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें अगर हम चेक करेंगे तो ये बल्ब चल रहा है। इसमें स्टील वाटर है और ये डी स्टील वाटर है। अब हमें चेक ये करना है, जब हम सादा पानी बैटरी में डालते हैं तो ये बैटरी को डिस्चार्ज करता है या पड़े पड़े बैटरी उतरती है, लेकिन डी स्टील वाटर डालने से बैटरी में ये प्रॉब्लम नहीं है आती है। तो हम यही चेक करेंगे कि हमारे आरओ का जो पानी है उसमें स्टील है या नहीं। ये देखिए, ये आरओ का पानी है मेरे घर पे जो आता है, 20 रुपये में 20 लीटर पानी आता है ये। अब इसको हम इसमें लेंगे। ये देखिए बल्ब इसमें नहीं जल रहा है, यानी कि यह भी पानी बिल्कुल डी स्टील वाटर की तरह ही काम कर रहा है और ये हमारी बैटरी के लिए बिल्कुल सेफ है। इसीलिए हमने ये एक प्रैक्टिकल करके देखा है। आप अपने घर पे करें तो सावधानी रखें, अन्यथा मैं ये कहूँगा कि आप ना करें तो बेहतर है। ये देखिए, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि यह भी डी स्टील वाटर ही है जिसे हम बैटरी में डाल सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।